बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुगल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लच प्लेट और क्लच किस तरह काम करता है। तो ये बेसिकली सिंगल फेज 1400 RPM की मोटर में या 2800 RPM की मोटर में लगाया जाता है। 2800 RPM की मोटर में कम लगाया जाता है, 1400 RPM की मोटर में ज़्यादा लगाया जाता है। क्लच प्लेट और क्लच ये दोनों लगाए जाते हैं। तो ये क्लच पत्ती है, इसे क्लच पत्ती भी कहते हैं, क्लच प्लेट भी कहते हैं, और दूसरा जो है क्लच, तो इसे क्लच गवर्नर भी कहते हैं। तो ये इसमें दो पॉइंट होते हैं, चांदी के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं, और ये क्लच होता है। तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो तारें होती हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक जो तार होती है वो लग जाती है क्लच प्लेट में, दूसरी मेन तार क्लच प्लेट में लगती है स्टार्टिंग की। तो जिस टाइम ये दबता है, लगता है, तो ये पॉइंट आपस में मिले होते हैं। और जिस टाइम मोटर चलती है, इसके जो वेट हैं क्लच गवर्नर के, वेट खुलते हैं, और वेट खुलने से इसके जो सर्किट है वो टूट जाता है और कैपेसिटर में करंट जाना बंद हो जाता है। तो कैपेसिटर में करंट जाना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाता है। कैपेसिटर का काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ धक्का देना। तो कैपेसिटर धक्का दे देता है, अगर इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को मुस्तकिल करंट मिलता रहे तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर करंट बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता, जबकि रनिंग कैपेसिटर में हर टाइम भी करंट गुजरता रहे तो वो नहीं पड़ता। तो ये एक तार जो है वो क्लच प्लेट के साथ लग जाती है, दूसरी जो तार है वो लोड वाइंडिंग की तार के साथ लगती है मोटर की। तो अब मोटर की तरफ भी चलेंगे, मोटर में हम आपको चलाकर भी दिखाएंगे कि ये किस तरह चलता है, किस तरह काम करता है। तो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो आपने देख लिया कि ये किस तरह काम करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये मोटर है हीको की, पाकिस्तानी मोटर है, जो इस टाइम अच्छी मोटरों में शुमार होती है। वो रनिंग कैपेसिटर की तार है, और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है इसमें, और स्टार्टिंग कैपेसिटर की तारें भी हमने लगा दी है। इन दो मेन तारें देंगे, और ये देखें, ये क्लच गवर्नर लगा हुआ है, क्लच लगा हुआ है, और नीचे क्लच प्लेट लगी हुई है। तो इसे हम चला कर दिखाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, ये 2800 RPM की मोटर है, इसे चलाते हैं। देखिए आपने देखी किस तरह इसकी स्पीड, क्लच हटा और चलना स्टार्ट हो चुकी है। और अगर ये क्लच ना खुलता तो इसका जो कैपेसिटर है वो ख़त्म हो जाता और ये मोटर रनिंग में ना आती है। देखिए दोबारा चलाते हैं, दोबारा चलाई है, तो इसी तरह सेम टू सेम वही जिस तरह पहले था उसी तरह मोटर की उठान भी अच्छी है, और इसका जो जिसमें पॉइंट हटते हैं तो उसी टाइम इसका जो क्लच सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सारे बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।